बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आया हूँ। आज की हमारी वीडियो है ताजिरत पाकिस्तान की दफ़ा 52 नेक नियति से। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो जो है बहुत स्पेशल होने वाली है, इस वजह से क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपका जो लिस्ट ए का एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें और B1 में, C1 में और आपकी जो एंटर वगैरह के कोर्सेज़ हैं उनमें ये तकरीबन ये अपना जो है वो दर्जा मनवा के रहता है। ये क्वेश्चन जो है ये हमेशा आता रहता है। तो नेक नियति से दफ़ा नंबर 52 जो है वो आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारी वीडियो जो है उसको हम सबसे पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। किसी ऐसे अमर के मुतल्लिक ये नहीं कहा जाएगा कि उसे नेक नियति से या बावर किया गया है जो बग़ैर ज़रूरी एहतियात या तवज्जो से किया गया हो या बावर किया गया हो। फ्रेंड्स, इस जो डेफिनेशन है इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स हैं एक दो, उनको ज़रूर आप मैं मेंशन करूँगा, आप उनको सुन लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत किया करें। वीडियो को लेक्चर जो है वो पूरा सुना करें ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए और अपनी ड्यूटी पे मौजूद होते हुए भी आप साथ साथ अपनी तैयारी कर सकें। तो किसी ऐसे अमर के मुतल्लिक ये नहीं कहा जाएगा। सबसे पहले तो जो नेक नियति है उसका जो कनेक्शन है वो अमर से है, किसी काम से है। तो काम जो होता है वही नेक नियति से होता है। तो कोई ऐसा अमर, कोई ऐसा एक्ट जो होगा, कोई ऐसा काम जो होगा, कोई ऐसा स्टेप जो होगा, वो जो नेक नियति से किस वक्त कहलाया जाएगा? वो कहते हैं कि किसी ऐसे अमर के मुतल्लिक ये नहीं कहा जाएगा कि उसे नेक नीति से बावर किया गया है जो बग़ैर ज़रूरी एहतियात या तवज्जो से किया गया हो। अब देखें, जो डेफिनेशन है वो उसके जो ऊपर जो हेडिंग है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। ऊपर जो है वो नेक नीति से जिक्र किया गया है, नीचे जो है वो उन्होंने मतलब थोड़ा सा उसको उल्टा के समझाने की देने की कोशिश की है कि नेक नीति से कोई अमर हो तब उस वक्त तक नेक नीति से उसको नहीं कहा जाएगा जो बग़ैर ज़रूरी एहतियात की गया हो। मसलन अगर उसको यूँ भी कह सकते थे कि कोई अमर जो भरपूर एहतियात और तवज्जो से किया गया हो या बावर किया गया हो उसे नेक नीति कहा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि यूँ कहा गया कि किसी ऐसे अमर के मतलब ये नहीं कहा जाएगा कि उसे नेक नीति से बावर किया गया है जो बग़ैर ज़रूरी एहतियात और तवज्जो से किया गया हो या बावर किया गया हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है तो चैनल के ऊपर जाएं और प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक करके किसी भी बुक की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।